आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पीयूष कुमार वर्मा। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-22 दिया है फॉर वेरियस प्रोग्राम। अगर हम बात करें मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि PhD प्रोग्राम्स के लिए जो रिजल्ट्स है JNU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए। एज पर द लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-22 का रिजल्ट यहां पर JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है JNU.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो अपडेट आई है, एडमिशन कॉर्नर में आप देख सकते हो MA MSc MCA प्रोग्राम रिजल्ट लिस्ट 1 फॉर JNU EE 2021 एंड 22। तो ये अनाउंस किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अपना जो रिज़ल्ट है, आप डायरेक्टली जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, ओके, और अपना रिज़ल्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चेकआउट करने के लिए क्या करना है, आप देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक जो आपका दिया हुआ है राइट साइड कॉर्नर में, MA MSc MCA रिजल्ट्स लिस्ट 1, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो कि स्टूडेंट लॉगिन आपका कॉर्नर है, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी कैप्चा है उसको इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना है एंड देन आपको लॉगिन पर प्रेस कर देना है। तो इससे आपको अपना जो है रिजल्ट दिख जाएगा, ओके। जितने भी आपके मार्क्स हैं वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, आप क्वालिफाइड हो या नहीं, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट देखने के लिए। और हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।